अजी सुनते हो? क्या है यार? शर्मा जी, ये क्या है आपका सिर? मतलब पीसीओ का मशीन है जिसे ऐसे ऐसे थपथपाएंगे तो वर्ड्स बाहर निकल आएंगे? क्या कर रहे हैं? अरे मदद करो ना भाई, ये बहुत टफ है यार। बताइए क्या? मुझे सम्मान ना देना चाहो पर फिर भी मिल ही जाता क्योंकि मेरे नाम में सम्मान है। भगवान! नहीं नहीं शर्मा, ये दो लेटर का वर्ड है यार। दो लेटर का है तो प्रभु, प्रभु दो हुआ ना? शर्मायन ज से शुरू होना चाहिए और ज पे अंत होना चाहिए उसका। जीजा! जीजा जी आगे कहाँ है? नहीं नहीं जीजा जी नहीं, शर्मा जी मैंने वर्ड बताया जीजा। ओह क्या? सुपर ब्रेनी हो यार। yes, जीजा एक मिनट। हाँ जी जा, जा। और कौन सा अगला है? मुझे गाली ना देना चाहो पर फिर भी लग जाती है क्योंकि मेरे नाम में ही गाली है। कुत्ता! नहीं 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 शर्मा, कुत्ता कोई गाली थोड़ी ना होता है। कुत्ते बड़े क्यूट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, स्वीट होते हैं। कुत्ते बड़े प्यारे होते, क्यूट होते हैं। जब आपको कुत्ते ने काटा था तो उस कुत्ते को क्यों गालियां दे रहे थे आप? अरे वो तो पिछवाड़े में काटा था यार। कोई कुत्ता पिछवाड़े में काटता है तो वो उसको गाली देनी पड़ती है ना। कुत्ते अच्छे होते हैं लेकिन उनमें दांत नहीं होने चाहिए। तो फिर कौन सी गाली हो सकती है, सोचिए ना जरा। अरे मैं क्या सोचूं, मुझे तो वो साला और मवाली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्या हो सकता है? साला! 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 क्या शर्मा है? क्या ब्रेनी हो यार? मैं इतनी देर से तक 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 कर रहा हूँ, तुम्हें बुला लिया होता। साला! लेकिन साला को गाली क्यों बोलते हैं? साले कितने क्यूट होते हैं। हाँ साले क्यूट होते हैं भाई। वो क्या हुआ होगा, कभी किसी साले ने अपना साले होने का फायदा उठा लिया होगा अपने जीजाजी से, तो वो जीजाजी ने ना फिर उस शब्द को बड़े घुमा फिरा के यूज किया होगा। अबे साले कहाँ जा रहा है, बहुत चर्बी चढ़ गई है साले, क्या बे क्या कर रहा है तू हैं साले, तब ये गाली लगने लगा होगा। क्या बात है शर्मा जी, वैसे तो मानना पड़ेगा आपको, आपको खुद को साला तो है नहीं लेकिन सालों के बारे में बहुत ज्ञान है। क्यों, मेरे को क्यों नहीं है साला? कहाँ है? है ना तुम्हारे मामा का बेटा, वो बॉडी बिल्डर। हाँ 6 फुटा बॉडी बिल्डर। शर्मा रोहन से एक बात याद आई, वो पता है जब अपनी शादी हुई थी, हाँ। विदाई के टाइम पे तुम अपनी मम्मी से गले मिलके रो रही थी सुबह सुबह के, तो वो तुम्हारा 6 फुटा बॉडी बिल्डर भाई मेरा हाथ पकड़ के साइड पे लेके गया और मेरे को धमकी दी। पता है धमकी? हाँ। पता क्या बोला? क्या? अदल आपने मेरी दीदी तो पहले तांतिया ना तो बोल दूंगा। ये नहीं बोल पाया क्योंकि मेरी हंसी छूट गई। बोल दूंगा। बोल तू तो। मेहमान आ गए, मेहमान। चलो 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 भाई। बोल दूंगा बोल दूंगा। मेरा नाम हिमांशु लोहानी है, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ और मैं एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ। मेरा नाम श्रेया सेठ लोहानी है, मैं झारखंड झुमरी तिलैया से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छी आदत इनकी ये है कि ये बहुत ही केयरिंग और लविंग है। बुरी आदत ये है इन्हें सोना बहुत पसंद है, ये बहुत जल्दी सो जाती है तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है। मेरा नाम विशाल कपूर है, मैं कुरुक्षेत्रा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और करंटली अभी मैं पिछले 2.5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मेरा नाम नीतू कपूर है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और करंटली मुंबई में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब मैं इनके बारे में कोई अच्छी आदत इनकी बताऊँ तो वो ये बहुत ही लविंग है, बहुत केयरिंग है, घर को पूरी तरह से सजा कर रखती है और अगर मैं इनकी किसी बुरी आदत की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? टोटली अरेंज। टोटली अरेंज? ये कैसे हो गई थी टोटली अरेंज? मुझे पता भी नहीं था और शादी हो गई। हाँ? मुझे ना कैसे कैसे हो सकती है, पता ही नहीं था शादी हो गई। एक्चुअली जब मुझे लड़की दिखाने ले जाना था तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि हम लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ। किसी की शादी थी, जो मेरी सगी बुआ हैं वो इनकी सगी मामी लगती हैं। अच्छा। तो हमारी रिश्तेदारी में ही सेटिंग हो गई थी। तो जब वहाँ गए, शादी को एंजॉय किया थोड़ा बहुत, वहाँ जाकर सभी फैमिली वाले एक रूम में बैठे हैं और इसकी जो भाभी हैं वो चाय की ट्रे लेकर आई। तो मुझे लगा शायद यही लड़की है। सीरियसली एक पल के लिए मैंने सब इमेजिन कर लिया। फिर अचानक ही उसके बाद मेरी नजर गई, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है। मैं बोला बेटा नजर नीचे करो और दूसरी का वेट करो, देखकर दूसरी फोन आती है।
इसके बाद फिर ये आई, इसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी आई थिंक। क्या बात है बार, ये याद है बिल्कुल। तो फिर इसे देखा, लड़की सुंदर थी, मुझसे मना नहीं हुआ सर। सही किया भाई। एंगेजमेंट भी उसी दिन कर दी। हमारे पंजाब में क्या करते हैं कि रोका कर देते हैं। रोका कर दिया उन्होंने, मम्मी ने लड्डू खिला दिया, चलो रिश्ता कर दिया तुरंत। वही शादी का लड्डू। हाँ, शादी का लड्डू जो खाया। ये सबसे फास्ट रोका था ना, तब हमने इतने कपल से बात की है तो हम चौंक जाते हैं। आज देखा कल एंगेजमेंट हो गई या कल शादी हो गई, बट कुछ घंटे तो गए, रात तो गए, यहाँ पे तो अच्छी 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 फास्ट। जी, शादी कितने से बाद हुई? तकरीबन 3 महीने बाद, 24 मार्च को हमारी शादी हो गई थी। अब 24 मार्च को हमारी शादी के 10 साल पूरे हो गए। अरे क्या बात है, 10 साल का साथ है, सो नाइस। जी, आप लोग बताइए आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी भी तो अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन हाँ अरेंज मैरिज भी, मैं जा रहा था किसी और लड़की को देखने के लिए, और जैसे ट्रेन में बैठा मुंबई से रांची जा रहा था, घर वाले ने बोला था आ जाओ लड़की देखना है, तो मैं जा रहा था, ट्रेन में बैठा, बेटा मत आओ, पापा का फोन आया, लड़की की शादी हो गई किसी और से, फाइनल हो गई। मैंने बोला चलो छुट्टी ले लिया है तो एटलीस्ट अब आ जाता हूँ, घर तो घूम के आ जाऊँ। घर पहुंचा तो जब पहुंच गया तो फिर घर वालों ने और कुछ देखना शुरू किया, तो इनके घर वालों से बात हुई होगी, तो ये भी शायद छुट्टी में घर आई हुई थी, तभी पढ़ाई करी थी बाहर, तो फिर हो गया चलो देख लेते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। एक्चुअली ये भी आई हुई थी घर किसी और लड़के को देखने के लिए। अच्छा, उनका तो अलग था। उनका कुछ और डेट था, उसके पहले वाले दिन तो फ्री थे, तो हम लोग का हो गया, तो मिलने गए, घर वाले थे, बैठे हुए थे, ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, तो बैठे हुए तो हमें भी कुछ बात करनी है, तो हाँ हमें भी एक कमरा दिया गया, बात कर लो। और हमारा कॉम्पिटिबिलिटी इतना अच्छा था कि हम दोनों मतलब रूम में बात कर रहे हैं, लगभग 3-4 घंटे हम लोग ने बात कर लिया। और मतलब क्या मतलब रुको, मुझे लगा हाँ मैं बता, अभी यहीं पर रुक जाओ। 4 घंटे बात किया आपने? हाँ जी। और हमें पता नहीं चला, हमें लगा 15-20 मिनट हुआ होगा, तो 4 घंटे बाद जब निकले तो सब लोग देख रहे, सब हमें देख रहे, क्या कर रहे थे 4 घंटे, इस काइंड ऑफ। तो कोई आया नहीं 4 घंटे में, एक दो बार पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, काइंड ऑफ दैट्स ऑल। फिर ऐसे कुछ नहीं कि हाँ क्या बातें हो रही हैं, वैसा कुछ नहीं, बट सबने स्पेस दिया कि जस्ट गो एंड बात कीजिए क्योंकि अरे मैरिज थी ना सर, जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, क्योंकि पूरी लाइफ इनके साथ स्पेंड करनी, इनको मेरे साथ स्पेंड करनी है, तो वी शुड नो ईच अदर, क्या बैड हैबिट्स है, क्या गुड हैबिट्स है, इतना तो नहीं पता चला, बट हाँ कुछ तो चीजें निकल के आई, इट इज लाइक दैट। ओके, तो फिर एंगेजमेंट कब हुई? एंगेजमेंट उसके 2 महीने बाद हुई। 2 महीने बाद एक्चुअली हम लोग 18 फरवरी को हमारा फिक्स हो गया था, 18 फरवरी 2012, और जून में एंगेजमेंट हुआ 14 जून। अच्छा, और शादी उसके बाद? शादी 25 नवंबर, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन था। ओके ओके, इट्स लाइक दैट। तो आपकी शादी का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है? शादी का हनीमून का ही किस्सा है, बताइए, शेयर कीजिए। हनीमून में हम लोग केरला गए थे, और ये मैडम को सोना बहुत पसंद है। सोना मतलब सोना कि सोना? सोना 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 पसंद है तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन इन्हें वो सोना वाला ज्यादा पसंद है जी। तो गए केरला, गए थे हम लोग, यहीं पे मुन्नार में थे हम लोग, वहाँ पे नाइट सफारी होती है जी। हमने एक जीप बुक किया मैंने नाइट सफारी के लिए, तभी तो पता नहीं था, वो 4 घंटे में पूछा नहीं था कभी सोती हो ये सफारी आती में सो गई है? नहीं, जीप में था, नाइट सफारी था, पूरा जंगल थे सर, तो बैठा सफारी के लिए निकले हम लोग। मैडम मतलब गाड़ी चली होगी आधे किलोमीटर भी, मैडम एकदम मेरे कंधे पे मजे से सो रही है, और उठा भी रहा हूँ हाँ फिर सो जा रही है, मतलब कुछ बात भी करो। अब सफारी रात को कौन सफारी देखने गया था, जानवर तो ऐसे भी देख लेता हूँ, तो हनीमून पे गए सफारी के लिए गए, मतलब पहले बता देती कि मुझे रात को सोना है तो मैं पैसे तो नहीं बर्बाद करता। तो फिर सुबह सुबह क्या हुआ? फिर सुबह आपने इनको बताया कि यार बिल्कुल ही आपने तो रात बर्बाद नहीं, मैडम सॉरी बहुत अच्छे से बोलती है, मतलब प्यार से, बहुत प्यार से सॉरी बोलती है, अभी सॉरी बोलेंगी तो फिर इतना सॉरी सॉरी मतलब चुप हो जाओ ठीक है जो हुआ रहने दो, इतना था तो ऐसा था। तो सुबह खैर उस पर हनीमून था तो लड़ाई वड़ी नहीं करना था, जो सॉरी वर्ड होता है ना ये हमारा हथियार होता है सर, क्योंकि हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं ठीक है, तो अभी प्यार से सॉरी नहीं बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छा ओके, आपका जो ये रोका हुआ फटाफट जो रोका हो गया उसमें और शादी में थोड़ा वक्त था 3 महीने का, 3 महीने तो वो जो कोर्ट शिफ्ट वक्त की कोई किस्सा है इंटरेस्टिंग आपके पास? आप मिलते थे उस वक्त? नहीं मिलते नहीं थे, मैंने एक बार बोला था इसको फोन पे
मैं बोला कि यार मैं ना जलंधर आता हूँ, मैं तब इसमें दिल्ली में गुड़गांव में जॉब करता था, तो मैं इसको बोला कि मैं ट्रेन में बैठता हूँ, सीधा जलंधर उतरूंगा, अगली गाड़ी से मैं वापसी कर लूंगा, तू स्टेशन पे आ, वहाँ बाहर कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के एक एक कॉफी पियेंगे, बस इससे ज्यादा समय नहीं। लेकिन ये माँ की बेटी नहीं आई। शर्मा डिस्क्रिप्शन सुना, लेकिन ये माँ की क्या मतलब, मम्मी ने मना किया था? नहीं, मैंने तो बताया ही नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, मुझे डर लगता था। मैं क्या, एक बार मिलेंगे, जिस दिन शादी होगी उसके पहले मैं नहीं मिलने आऊंगी। आपको बीच में बिल्कुल मन नहीं हुआ मिलने का? मन तो इसका भी था, लेकिन दो भाई हैं बड़े, तो डर था कहीं किसी ने देख लिया, बता दिया भाइयों को, बता दिया शादी से पहले तो मिल रहे हैं। और ये डर मुझे भी था, दो भाई हैं बड़े, पकड़ लिया तो चार्ज नहीं है बाद में का। ओके, तो आपके साले आपकी जिंदगी में शुरू से घुसे हुए। जी, आप बताइए भाई बहन कितने हैं आप लोग? और सर मेरा जॉइंट फैमिली है, वैसे ओन सिबलिंग हम लोग तीन बहन एक भाई है जी, और ऐसे हम लोग टोटल 15 भाई बहन है। अच्छा बात है, मतलब भाई मतलब ऐसा है ना कि कभी भी घर में बेल बजता है, दरवाजा खोलता हूँ, कौन है? अच्छा साले साहब है, पता भी नहीं होता, नए नए साले आ जाते हैं। मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहा हूँ और इनका जॉइंट फैमिली है, अब 15-20 नाम भी नहीं पता रहता किनका क्या नाम है, और साइज भी साले इतने से, मतलब अंकल दादा जी के साइज के साले हैं और बच्चे भी साले हैं, तो मतलब साले ही साले भरे भरे। अच्छा, आपको आपके जैसे आपने बताया कि आपने मिलने की कोशिश की, लेकिन आपको डर था, दो भाई है पकड़े गए तो भाइयों की वजह से, वो फिल्मी स्टाइल में भाई बड़े भाई होते हैं ना, डराते वगैरह, क्या बहन का ख्याल रखना, वरना इस मामले में डराया था आपको? नहीं, जब विदाई होकर हम वापिस आ गए थे तो हमारे में रीत रहती है कि एक भाई दुल्हन के साथ घर जाता है ससुराल में, तो वो जब आए अगले दिन रिसेप्शन के बाद उनको जाना था, तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने बाकायदा मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना जिसको बोलते हैं वो किया कि मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, ये बहुत बच्ची है, घर की सबसे छोटी है, कोई गलती हो तो प्लीज दिल पे मत लेना, इसको माफ करना। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वैसा मैं आज तक वैसा ही बिहेव करता आ रहा हूँ। वैसे भाई कमाल की चीज होता है, और बहन छोटी हो तो मेरी बहन है, मैं समझता हूँ इन बातों। ओके, तो आप इतनी लाडली है आपके भाइयों की? एक ही बहन? नहीं, हम पांच भाई बहन है। हाँ। सबसे बड़ी बहन है, फिर उससे फिर छोटी है, उससे छोटे दो भाई हैं, फिर मैं लास्ट में जो सबसे छोटी है, पांचवें नंबर पे हूँ। आपकी जब विदाई हो रही थी तो आपके भाइयों की क्या हालत थी, रोए थे? वो पहले दो बार रो लिए थे जी। हाँ? कितना रोएंगे? पहले भी दो बार? दो बड़ी बहनें भी तो शादी हो गई ना, उस वक्त कितने आंसू होते हैं। नहीं, बड़ी तो सबसे छोटी थी ना घर की। नहीं, बहुत रोए थे मेरे दोनों भाई, बहुत रोए थे, और मेरे डैडी भी बहुत रोए थे, यहाँ तक के मेरी दोनों बहनें मतलब कि इतना रोई थी कि वो गिर गई थी, रोते रोते कहते हैं ना एकदम बहुत ज्यादा रो लिया तो एकदम से चक्कर आ गई, तो ऐसा हो गया था उनके साथ। तू भी रोई क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपको तो इनके तो हंस रहे थे। नहीं, वैसे असल में बताइए, वो मजाक की बात थी। एक्चुअली सर, जब हमारी शादी हुई ना, आई एम फ्रॉम झुमरतलया, तो हमारी शादी झुमरतलया में नहीं हुई, इनके नेटिव प्लेस पे हुई रांची में, जो हमारा बैंक्वेट हॉल था, और वहाँ से घर इट्स अराउंड 3-4 किलोमीटर। विदाई हुई, कोई नहीं रो रहा है, मेरे घर पे नोबडी, मेरी मम्मी भी नहीं, और मैं ही पागल के जैसे रो रही, ठीक है, कोई नहीं, सब आते रहे, अरे हाँ ठीक है चल 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 चल, निकाल दिया मुझे। फिर मैं घर पहुँच गई, मैं मेरे घर पहुँचने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद मेरी पूरी फैमिली, टोटल 38 मेंबर्स हैं, सब आए वहाँ। हाँ, मेरे घर में सिर्फ 38 मेंबर्स हैं, और फिर जिनकी उनकी शादी हो गई उनके बच्चे सब मिला के टोटल 65। शादी की जब विदाई के समय क्या हुआ, रात को शादी, हमारे में रात को शादी होती है और सुबह विदाई होती है, तो पंडित जी को पता नहीं अचानक से क्या याद आया, भाई सुबह विदाई का मुहूर्त नहीं बनता है, जल्दी जल्दी विदाई करो, तो 3 या 4 बजे रात में ही विदाई करा दिया, सब सो रहे हैं और इनका विदाई हो गया, तो मेरे घर लेके आ गया, तो जो मम्मी पापा कुछ थे, 5-6 लोग थे, वो लोग थे, बाकी 65 के 65 सो रहे थे, तो सुबह हुई तो सबको याद आया कि अरे शांति कैसे हैं, तो समझ में आया कि अच्छा विदाई करके लेके चले गए इसलिए शांति होगी। तो उन लोग ने सोचा कंफर्म कर लेते हैं भाई सच में गई है कि नहीं। मेरा 2 BHK फ्लैट, सब आए जा रहे हैं एक एक करके, अभी एक आए, अभी हाँ गए, फिर थोड़ा बैठे भी नहीं गए और आए, तो अच्छा भी लगा हाँ कि इतने लोग हैं और इतने लोग मानते हैं, लेकिन मानते हैं या कंफर्म करने आ रहे थे चली गई। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी फैमिली, आते गई। अच्छा, बातें तो बड़ी मस्त चल रही हैं, पर मेरा ना थोड़ा सा पौं पौं करने का मन कर रहा है। थोड़ा सा एक मस्ती वाली एक और चीज कर लेते ना।
अरे वो बजर के साथ खेल लेते ना इनके साथ। अच्छा वो कौन? हाँ चलिए ठीक है। आपके सामने रखे हैं बजर। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप दोनों में से जिसे जवाब आता होगा फट करके बजर दबाएगा और जवाब देगा। जवाब देगा जी भाभी। ठीक है जी। ओके ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पहला सवाल इन्हीं से पूछते हैं है ना, हनीमून के लिए कौन से होटल में ठहरे थे? कुन्नूर ब्लूबर्ड होटल। क्या बात है, है? सही है। आपको याद ही था? रिकॉल कर रही थी। ओके आपके लिए सवाल मिस्टर एंड मिसेस कपूर, लास्ट हॉलीडे पे कहाँ गए थे? जलंधर। वहां से हम आगे ब्यास गए, ब्यास से फिर हम निक्कू पार्क, देवीतला मंदिर वगैरह है। ये पंजाब वगैरह में ना, नॉर्थ में ना शर्माइन, हॉलीडेज ना अक्सर पहले मायका होता है या ससुराल होता है और उसके बाद फिर वो देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यही होता है, यही होता है ना। क्या होता है ना शर्मा जी, देवी मिलती है तो देवी के दर्शन जरूरी होते हैं। आपने कौन सी देवी के दर्शन किए थे शादी के बाद? एक ही देवी से कर लिया बस। ठीक है, आपके घर का पिन कोड क्या है? क्या है आपके घर का पिन कोड? 4000 59। ओके। मैरिज एनिवर्सरी के अलावा आपका कौन सा वो एक दिन है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है? मेरे बेटे का बर्थडे। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा आपकी शादी में जो पंडित आया था उसका क्या नाम था? जनार्दन पंडित जी। क्या आपकी साइड से थे क्या वो? एग्जैक्टली। पंडित जी को कुछ बोलना भी नहीं आ रहा था, 90 साल के पंडित जी होंगे। हाँ। क्या बोल रहे थे पता नहीं, कैसा शादी कराया क्या, पता क्या, नहीं। क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, कैसे मतलब, आवाज ही नहीं निकले थे मुंह से, मतलब कुछ तो बताओ, शादी कर रहा हूँ तो पता तो चले क्या मंत्र पढ़ रहे हो, कुछ तो पता ही नहीं। मंत्र सुन के क्या करना है, शादी हो रही है फेरे ले रहे हो, मंत्र सुनाई देते हैं। मंत्र सुन के पता तो होना चाहिए, हर बार हम आपकी साइड पे नहीं आएंगे बाबू जी। ओके आपके भाई का मतलब आपके साले साहब का बर्थडे क्या है? 28 नवंबर। याद करके डर रहे अभी निकला है ना, अभी याद है थोड़ा माइंड लगाता है, मैंने याद कराया दिसंबर था कि आज उसका बर्थडे है, भैया को विश कर दो, नहीं तो कहाँ याद रहते हैं। मैंने उस दिन विश भी नहीं किया, आज उनको ब्रेटिड हैप्पी बर्थडे बोल दूं क्या? बोल दो, हैप्पी बर्थडे भैया। आपका साला कौन से साल में पैदा हुआ था? मालूम ये मालूम नहीं तो नहीं चलता है। Obviously नहीं चलता है। चलता एक ही घंटे बात करते हैं लोग वीकली और पता भी नहीं। ये सब टॉपिक कौन बात करे, हमारे पास 1000 टॉपिक होती है, दोनों की बीवियां हैं तो डेट ऑफ बर्थ कौन पूछे। जब बीवियां हैं तो डेट ऑफ बर्थ क्या जरूरत है। ओके आपके साले साहब का निकनेम क्या है? गोरखी। क्या बात है, बराबर है। क्योंकि वो बहुत गोरा था तो गोरखो जैसा लगता था, उसको बेचारे को गोरा गोरा कहते, उसको गोरखी बना दिया। अच्छा आपके साले के मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट नंबर बताइए। 9807। सही है। ओके जी आपके भाई की मतलब आपके साले साहब की फेवरेट डिश कौन सी है? मैं बजर दबा दूंगी, मुझे शायद जवाब पता है। मैं छोटे वाले का चिकन। हाँ। मैं बड़े वाले में उलझ गया था। फर्स्ट टाइम आपने आई लव यू किस जगह पे कहा था? हमने दिल्ली में आई लव यू बोला था फर्स्ट टाइम। दिल्ली कहाँ पहुंच गया आप रांची? ये कब का था, कब का था ये, कब हुआ था? बिफोर शादी। बिफोर शादी? हाँ। पकड़े गए थे क्या? नहीं सर एक्चुअली। क्या छुपाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ बताओ फिर खुल के बताओ। तभी इनके भाई दिल्ली में रहते थे तो ये अपने भाई से मिलने गई थी। मैं जयपुर में पढ़ती थी सर, तो मेरी विंटर ब्रेक हुई थी तो मैं दिल्ली आ गई थी, मम्मा पापा भी वहाँ पे आए हुए थे और इनको पता चला कि मैं आ गई तो ये भी पीछे से आ गए थे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने मिलने को बुलाया और मैं झूठ बोल के गई थी और इन्होंने मुझे आई लव यू बोल के एक छोटा सा पैकेट दिया, क्यूट सा हार्ट शेप का, और वो लाके मैंने ना भैया को दिखा दिया। और मेरे भैया का ना थोड़ा सा स्टमक ना लड़की वाला है, आई मीन थोड़ा बात रहती नहीं। हाँ, 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 तो फिर मम्मा को बता दिया, मम्मा ने पापा को बता दिया, पापा ने फिर मुझे डांटा। मेरा भी नाम खराब हुआ है, रह नहीं सकते थोड़े दिन, शादी तो होने ही वाली है। आ गए दिल्ली।
ये तो बड़ी मीठी चोरी थी, पकड़ी गई तो भी अच्छा लगा होगा पक्का। याद भी है क्योंकि दिल्ली में मिले थे और दिल्ली में कहाँ मिले थे वो भी याद है। जी जी जी, चलिए चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक ठाक पता है। नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, ठीक ठाक पता है भाई आपको अपने साले साहब के बारे में। हाँ हाँ, इन्हें भी बहुत पता है, बहुत पता है। जी जी जी, ये जो जीजा और साले का जो रिश्ता होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा रिश्ता है जैसे कि शिवजी और नंदी का है, जो सृष्टि के शुरू से शुरू हुआ था और सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा, कभी इसका अंत नहीं होगा भाई। तो हम एक एपिसोड में कैसे इसकी बात कर सकते हैं? ये सारी बातें आज खत्म नहीं होंगी, ये कल भी जारी रहेंगी। क्यों शर्मायन जी?